जम्मू कश्मीर कृषि निदेशक चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज विश्राम गृह कुलगाम में सभी कृषि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की प्रगति, कैपेक्स, भौतिक और वित्तीय अतिरिक्त धन के तहत प्राप्ति, भौतिक उपलब्धियों की स्थिति के बारे में विस्तृत समीक्षा की, ताकि सभी किसान हितैषी योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके। एबीडी न्यूज के लिए संवाददाता आशिक अली की रिपोर्ट। और अगर किसान की फलाह बहबूदी की कोई बात आपके वसादत से उन तक पहुंचे तो ये हमारी खुशनसीबी है। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में मैं वक्तन फवक्तन आता रहता हूं, लेकिन सब स्टाफ के साथ यहां आज मीटिंग लेने के दो मतलब हैं। नंबर एक कि प्रेजेंट डे में जो क्रॉप सिनेरियो है उसका स्टैंड क्या है। अगर हमारी ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो चेंज हो रही हैं, पिछले दिनों में जैसे गर्मी हो गई थी, तो हम इस चीज़ को असेस कर रहे थे कि हमारी क्रॉप स्टैंड पर कोई असर तो उस चीज़ का नहीं पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि जो कल परसों से बारिश होगी उससे वो जो हमारे खदशात थे फिलहाल वो चांसेस उसके टल गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर वक्त हम लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमारा किसान जो किसानी के साथ जुड़ा है उसको वक्तन फवक्तन क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से किसान की फलाह बहबूदी के लिए क्या स्कीमें दी जाती हैं, क्या उनकी अवेयरनेस किसानों तक तभी पहुंचेगी जब तक डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के पास इस चीज़ की जानकारी होगी। हम डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्टरेट से जो टीम लेके आते हैं वो आके इनको बताते हैं कि फलां स्कीम की गाइडलाइंस ये हैं, इसको फील्ड में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जैसे आपको ये पता है कि प्रेजेंट डे में हमारे पास यहाँ कश्मीर